आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंजाबी कढ़ी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको चाहिए योगर्ट या दही, आधा कप बेसन, लहसुन, जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। ये पंचफोरन है जो है मेथी दाना, सौंफ, जीरा, धनिया और राई, कड़ी पत्ता, लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज जो मैंने पतला काट लिया है और नमक स्वाद अनुसार। और हमें चाहिए 2 चम्मच घी और हींग। एक बर्तन ले लेते हैं, डेढ़ से 2 कप दही ले लेंगे, इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम बेसन, साथ में डालेंगे हम पानी। 1 कप पानी है, ओके। तो ये सारा एक मिक्स हो गया है। फिर मैं ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल देती हूँ, और ये जो मसाले हैं हल्दी, गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर, ये डालती हूँ। साथ में हम डाल देते हैं नमक, 1 टीस्पून सॉल्ट है। अभी हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमारा घोल रेडी हो गया है। तो हम एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी, घी जब गर्म हो जाए तब हम ये जो पंच फोरन है वो हम डाल देंगे। थोड़ा क्रैक होने देते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे हींग और डालेंगे कड़ी पत्ता। प्याज को थोड़ा हल्का सा ब्राउन करना है। थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च। तो लहसुन भी हमारा भून चुका है, चुटकी भर हल्दी डाल देंगे तो बढ़िया कलर आ जाएगा इसका। अब हम इसमें जो घोल हमने बनाया है वो डाल देंगे। कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको एक उबाल आने तक उबलने देते हैं। तब ये एक उबाल आ गया है इसमें, तो ये हमारी कढ़ी तैयार हो गई। अब गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो हम ये सर्विंग बोल में डाल लेते हैं। और धनिया से गार्निश कर देते हैं। ये हमारी पंजाबी कढ़ी रेडी होगी।